बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंटरप्ट को कंटिन्यू करते हैं, और इंटरप्ट में हम लोग सबसे पहले इंटरप्ट में हम लोग कहते हैं कि हमारा एक मेन प्रोग्राम होगा जो नॉर्मली हमारा ऑपरेट कर रहा होगा। तो हमारा मेन कोड हम लोग या मेन ऑपरेशन अपना जो है वो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे होंगे। और जैसे ही हमारे पास इंटरप्ट आएगा, अब इंटरप्ट आने पर क्या होगा, इंटरप्ट आएगा तो हम लोगों का जो मेन ऑपरेशन है वो स्टॉप हो जाएगा। मेन ऑपरेशन स्टॉप होने के बाद हम लोग रीडायरेक्ट कर जाएंगे। किस पॉइंट पे रीडायरेक्ट कर जाएंगे जी? हम लोग रीडायरेक्ट कर जाएंगे इंटरप्ट वेक्टर टेबल पे जंप कर जाएंगे। इसका मतलब है कि हम लोग वेक्टर टेबल पे जंप कर रहे हैं। अब इंटरप्ट वेक्टर टेबल जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा हमारे पास इंटरप्ट आया है। हमारे पास इंटरनल इंटरप्ट आया है, एक्सटर्नल इंटरप्ट आया है, हमारे पास जो है वो हाई लेवल इंटरप्ट है या लो लेवल इंटरप्ट है। ये सारी की सारी बातें कहाँ पे डिसाइड होंगी? इंटरप्ट वेक्टर टेबल के अंदर डिसाइड हो जाएंगी। ठीक है, इंटरप्ट वेक्टर टेबल से डिसाइड होने के बाद हमारा कोड जो है यहाँ से इंटरप्ट वेक्टर टेबल रीडायरेक्ट करेगा कोड को कि मेन कोड पे से आपने किधर चले जाओ, इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे चले जाओ, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। अब इंटरप्ट सर्विस रूटीन में क्या करेंगे जी? इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या चीज़ है? इंटरप्ट सर्विस रूटीन वो काम है जो हम लोगों ने इंटरप्ट हैंडल कर रहे होते हैं, या हम लोग कहते हैं कि इंटरप्ट जो हम लोगों ने इंटरप्ट आता है और हम लोग इंटरप्ट को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, उस वही से हम लोग इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे आ जाते हैं। इंटरप्ट वेक्टर टेबल को इंटरप्ट हैंडलर भी कहते हैं कि मेन कोड से हम लोग किधर आ गए इंटरप्ट वेक्टर टेबल पे। इंटरप्ट वेक्टर टेबल ने डिसाइड किया कि कौन सी इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे मैंने जाना है, वो उस इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे उसने रीडायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ से वापसी का रास्ता क्या होगा? यहाँ से वापसी पे हम लोग अपने मेन कोड में, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास ये कुछ इंस्ट्रक्शन हैं, और ये जो अभी मैंने इंस्ट्रक्शन में हाईलाइट करने लगा हूँ, मैं इस इंस्ट्रक्शन पे था जब इंटरप्ट आया। ठीक है, इसको मैंने एग्जीक्यूट कर लिया था, तो मैंने इंटरप्ट पे मैंने रीडायरेक्ट हो गया। तो जब मैं रीडायरेक्ट हुआ, इंटरप्ट वेक्टर टेबल ने इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे की तरफ भेजा, और यहाँ से वापसी पे इंटरप्ट सर्विस रूटीन जब हम लोग एग्जीक्यूट कर देंगे तो ये वापस लेके आएगा जहाँ जो हम लोगों ने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी थी। तो यहाँ तक हमारा कोड एग्जीक्यूट हो चुका था, इसके बाद इस जगह पे वो वापस लाएगा। कैसे वापस लेके आएगा? बेसिकली यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या करेगा, जब इंटरप्ट आएगा मेन कोड से वो इंटरप्ट वेक्टर टेबल की तरफ जाएगा, साथ ही ये इस इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस था, जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू थी, इसको स्टैक में स्टोर कर लेगा। स्टैक में स्टोर कर देगा और खुद इंटरप्ट वेक्टर टेबल पे आ जाएगा। इंटरप्ट वेक्टर टेबल किधर भेजेगा? इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे। इंटरप्ट सर्विस रूटीन से उसने वापस किस जगह पे आना है? कोड जो मेन कोड जहाँ से हम लोग गए थे, मतलब जो इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट होनी है, उस इंस्ट्रक्शन पे वापस लेके आएगा। वो क्या करेगा? स्टैक से वापस एड्रेस उठाएगा और प्रोग्राम काउंटर के अंदर प्लेस कर देगा। तो होपफुली आप लोगों को ये थोड़ा सा एक स्केच सा, रफ स्केच समझ आ गया होगा कि हमारा मेन कोड क्या होगा, इंटरप्ट वेक्टर टेबल के अंदर जाएगा और इंटरप्ट सर्विस रूटीन को हैंडल करेगा। अब मैं बता देता हूँ कि इंटरप्ट वेक्टर टेबल में क्या लोकेशंस आती हैं और कोड कैसे जंप करेगा। और ये आप लोग देख सकते हैं, हमारे पास ये इंटरप्ट वेक्टर टेबल है। इंटरप्ट वेक्टर टेबल में बेसिकली हमारे पास ये रोम की लोकेशंस हैं, और रोम की जो हमारे पास सबसे पहली लोकेशन है जीरो लोकेशन। इसका मतलब है कि जीरो लोकेशन पे हमारे पास जो क्या चीज़ पड़ी हुई है वो है हमारे पास पावर ऑन रीसेट। हमारे पास वेक्टर पड़ा हुआ है। पावर ऑन रीसेट का मतलब क्या है कि हम लोग जब भी अपने माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट करते हैं तो वो इस लोकेशन पे आता है और अपने माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट करता है, सारे प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को अपडेट कर देता है और कोड यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने कोड 0x2a से स्टार्ट करते हैं, तो रीसेट जब भी होगा तो 0 पे आएगा। 2a तक हम लोग कोई कोड नहीं रखते, 2a से हम लोग अपना कोड प्लेस करते हैं पिक 18f452 के लिए। ठीक है,
तो आज वो हमें पता चल जाएगा कि हम लोग 2A क्यों रखते थे। ठीक है, अब 0 से लेके 08 लोकेशन तक आप हमारा पावर ऑन रीसेट वेक्टर के लिए हम लोगों ने अपने लोकेशन यूज की हुई है। ठीक है, फर्दर हमारे पास आ जाता है 0 8H। अब 0 8H ये हम लोग क्या करते हैं, डिफॉल्ट ऑन रीसेट हमारे पास ऑन रीसेट आ जाता है कि हमारे पास 0 पे तो रीसेट वेक्टर पड़ा हुआ होता है, और रीसेट वेक्टर के बाद हमारे पास 0 8 लोकेशन पे हम लोग क्या चीज प्लेस करते हैं, अपने हाई लेवल इंटरप्ट प्लेस करते हैं। इंटरप्ट के दो टाइप है हमारे पास, एक हाई लेवल एक लो लेवल। हाई लेवल से मुराद है कि जिसको हमने पहले एग्जीक्यूट करना है वो हम लोग हाई लेवल इंटरप्ट में रखते हैं। जो लो लेवल इंटरप्ट है कि हम लोगों ने उसकी एग्जीक्यूशन हम लोग बाद में भी परफॉर्म कर सकते हैं, उसको हम लोग लो लेवल इंटरप्ट कहते हैं। ठीक है, तो हम माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हमारे पास ये दोनों इंटरप्ट लोकेशन ये वेक्टर टेबल में अवेलेबल है। इसके बाद जब भी हमारे पास कोई इंटरप्ट आएगा और हाई लेवल का हुआ तो हम लोग उसको 0 8H लोकेशन पे प्लेस करेंगे। 0 8H से लेके 0 17H तक हमारे पास हाई लेवल इंटरप्ट के लिए लोकेशंस पड़ी हुई है, लेकिन जब हमारे पास इंटरप्ट आएगा तो किधर वो जंप करके जाएगा, 8 पे जंप करेगा। ठीक है, अगर उसके पास 8 पे जंप करने के बाद उसने किधर जंप करना है, 0 18H पे जंप करेगा। 0 18H पे हमारे पास क्या अवेलेबल है जी, लो लेवल इंटरप्ट हमारे पास अवेलेबल है। अगर हमारे ने इनकी प्रायोरिटी कम रखी है, हम लोगों ने हाई लेवल इंटरप्ट को पहले एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद हम लोग लो लेवल इंटरप्ट को यूज करते हैं। 8H से लेके 18H तक हमारे पास हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट की लोकेशंस होती हैं। ये वेक्टर टेबल हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट के लिए यूज होता है। लो प्रायोरिटी इंटरप्ट के लिए 18H से स्टार्ट होता है, और हर डिवाइस का एड्रेस वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। हम लोग पिक 18 है, 452 पे काम कर रहे हैं, तो 452 के लिए 0 18H से लेके 2AH तक हमारे पास ये जो वेक्टर टेबल है इसकी लोकेशंस पड़ी होती हैं। ये किसके लिए यूज होती है, ये लो लेवल इंटरप्ट्स के यूज होती है, और 2A के बाद हम लोग अपना मेन कोड रख सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग क्या करते थे, अपने कोड को 20x2A से हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है, डेटा टाइप है, हम लोग इसको 2AH भी यूज कर सकते हैं, 0x2A भी यूज कर सकते हैं, दोनों हेक्साडेसिमल नंबर्स के लिए यूज होती हैं। लेकिन जो काम की बात है कि ये हमारे पास वेक्टर टेबल है, इसका मतलब है कि जब भी हमारे पास इंटरप्ट आएगा, अगर रीसेट किया फिर हम लोग किधर जाएंगे, 00 लोकेशन पे जाएंगे, और फिर इसको एग्जीक्यूट करते हुए 8 पे आएंगे, 18 पे आएंगे, और इसी तरह कंटिन्यू करते हुए अपने प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यूज है उसको अपडेट करते हुए अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई इंटरप्ट आ जाता है तो फिर क्या होगा जी, जब इंटरप्ट आएगा तो हम लोग अपने कोड को छोड़ के किधर जंप कर जाएंगे, ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं 18H, यहाँ पे हमारा कोड जंप कर जाएगा। वहां पे चेक करेगा इंटरप्ट वेक्टर टेबल के अंदर के यहाँ पे इंटरप्ट सर्विस रूटीन डिफाइन है या नहीं। इंटरप्ट सर्विस रूटीन से मुराद है कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। वेक्टर टेबल बेसिकली एड्रेस कंटेन करता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन का। और अगर हमारे पास लो लेवल इंटरप्ट आएगा तो कोड हमारा जंप कर जाएगा, इधर जंप कर जाएगा लो लेवल इंटरप्ट पे, और इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे ये जो एड्रेसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जैसे ये एड्रेस देख सकते हैं 0 8H बहुत इंपॉर्टेंट एड्रेस है। जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो हम लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी वेक्टर टेबल को हम लोगों ने पॉइंट करने के लिए, कि कोड जब भी हमारे पास इंटरप्ट आएगा तो कोड हमारा किस जगह पे जाएगा, सबसे पहले 0 8H लोकेशन पे जाएगा जब भी इंटरप्ट हमारा जनरेट होगा। और उसके अलावा फिर कहाँ पे हमारा कोड रीडायरेक्ट होगा, 18H पे रीडायरेक्ट होगा। तो ये दो एड्रेसेस हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं, ये फर्दर हम लोग जब इसकी प्रोग्रामिंग परफॉर्म करेंगे होपफुली नेक्स्ट वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग इसका असेंबली लैंग्वेज एक प्रोग्राम करेंगे कि कैसे हम लोग इंटरप्ट को हैंडल कर सकते हैं। तो होपफुली आपको इन चीज़ों की समझ आ रही होगी। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।